तो दोस्तों मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, और एआई है आसान और ये जान लीजिए। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। देखेंगे टेक्स्ट से इमेज कैसे बनाएंगे, अपने शब्दों में लिखे हुए वाक्यों को कैसे हम लोग इमेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महान हस्ती की का इमेज बनाने वाले हैं, जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। जी हाँ, आज हम लोग इमेज बनाने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। ठीक है, तो दोस्तों चैनल में लास्ट तक बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इमेज बनाते हैं, किस तरीके से, कौन कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करके, कौन कौन से टूल यूज करके मैं वो इमेज बनाता हूँ, आप उसको देखेंगे और आप भी बना सकते हैं दोस्तों। मैं ओपन आर्ट डॉट ए आई, एक ओपन ए आई का, ओपन ए आई का ओपन सिस्टम है जिससे हम लोग इमेज बना सकते हैं। उससे उस पर मैं गया और वहां पे मैं प्रॉम्प्ट लिखा मैंने कि क्रिएट एन आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इम्बोडिंग हिज करिश्मेटिक लीडरशिप एंड स्टेटमैनशिप डिपिक्ट हिम इन ए डिग्निफाइड मैनर इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन कैप्चर द एसेंस ऑफ हिज पब्लिक स्पीकिंग प्रोवेस रिप्रेजेंटिंग हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद द मासेस ensure that the image showcases his distinctive appearance including his salt and pepper beard and signature attire consider the indian flag as a symbol of the nation in the background to signify his role as a nation leader focus on the warmth and approachability of his smile reflecting his dedication to serving the people of india be meaningful of कल्चर नॉनसेंस एंड रिस्पेक्टफुल इन योर पोर्ट्रेट। ठीक है, योर आर्ट वर्क शुड कन्वे ए सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। इतना कहने के बाद अब मैं इतना इसका इमेज बनाने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। चलिए मैं इसको कहा क्रिएट करो इमेज, और हम देखते हैं कि कुछ ही पलों में यह इमेज बन के तैयार हो जाएगी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का यूज करके। और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यह इमेज बनाया है, बिल्कुल ही खराब इमेज बना दिया है, लेकिन अभी हम लोग इसको इसको सुधार सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों देखिए आपके पास ये इमेज बन के आ गई है, जो कि इमेज बिल्कुल मैच तो नहीं खा रही है, लेकिन कह सकते हैं कुछ हद तक यह मैच खा रही है। और कुछ एक दो इमेज और भी बनाया मैंने, ये देखिए एक इमेज ये भी है, ये भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा मैच कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया इमेज है, ये बिल्कुल जो है मैच नहीं करेगा। इसके लिए काफ़ी हाई लेवल का नॉलेज चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो प्रोफेशनल होते हैं तब तो वो बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो सीख रहे हैं तो सीखने में किसी लेवल तक का इमेज बन सकता है मेरे दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।